हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने स्टोर के लिए ऐसे अमेजिंग डिस्काउंट कूपन्स बना सकते हैं। सबसे पहले अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे यहाँ नीचे एप्स पे एंड देन आपको यहाँ पे दिखेगा कूपन, देन इस पे क्लिक करके अब हम यहाँ पे इसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद ओपन, ये ओपन होने के बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट कूपन पे। अब हमें अपना कूपन टाइप सेलेक्ट करना होगा कि परसेंटेज बेस्ड डिस्काउंट होगा या फिर स्पेसिफिक अमाउंट बेस्ड। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि परसेंटेज डिस्काउंट कूपन कैसे बनाना है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन कंफर्म। यहाँ पे हमें अपना कूपन कोड सेलेक्ट करना होगा कि वो किस नाम से शो करेगा। उसके बाद यूज पर कस्टमर, इसका मतलब ये है कि एक कस्टमर कितनी बार उस कूपन को यूज कर सकता है। तो आप यहाँ पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स भी सेट कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से कस्टम। सो मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरा एक कस्टमर एक कूपन कोड को एक ही बार यूज कर सके। देन उसके बाद कूपन डिस्काउंट के कितना परसेंटेज डिस्काउंट देना है, देन मिनिमम ऑर्डर वैल्यू क्या रहेगी इस कोड को यूज करने के लिए, यानी कस्टमर को कितनी वैल्यू का मिनिमम ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा इस कूपन कोड को यूज करने के लिए, और फिर मैक्सिमम डिस्काउंट कि इस अमाउंट के ऊपर डिस्काउंट नहीं जाएगा, यानी मैक्सिमम इतने अमाउंट का डिस्काउंट ही मिलेगा। तो मान लो अगर कस्टमर ने 6000 का ऑर्डर प्लेस करा तो उसका 10% यानी 600 रुपए का डिस्काउंट बनता है, बट मैक्सिमम मिलेगा 500 का। देन कूपन वैलिडिटी, यहाँ पे हम स्टार्ट डेट एंड टाइम डालेंगे जहाँ से ये कूपन कोड वैलिड होगा, और अगर आप चाहते हैं कि ये कूपन कोड हमेशा चलता रहे तो आप इसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। बट वहीं अगर आप ये चाहते हैं कि इस कूपन कोड की एंड डेट होनी चाहिए तो यहाँ पे हम सेट करेंगे एंड डेट। तो मैंने यहाँ पे एंड डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर लिया और फिर क्रिएट कूपन, और ये हमारा डिस्काउंट कूपन तैयार हो गया। यहाँ जो ऊपर आइकन्स दिए हैं इनमें से शेयर आइकन पे जाके आप इसे शेयर कर सकते हैं एंड दूसरे आइकन से आप इसे कॉपी कर सकते हैं।